तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ किया की। एक ऐसा ब्रांड जिसको 4 साल पहले तक भारत में कोई जानता तक नहीं था, उसकी गाड़ियां कभी आई नहीं थी इंडिया में। जैसे ये ब्रांड इंडिया में आता है भाई, पूरा मार्केट हिला देता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या लेकर आया था इंडिया में? तो भाई इंडिया का जो मार्केट है वो 3 फैक्टर्स पे काम करता है। पहला है गाड़ी का लुक, दूसरा प्राइस, ये प्राइस का जो फैक्टर है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तीसरा है कम्फर्ट। तो भाई अगर ये 3 चीज़ आप दे पा रहे हो तो आप इंडियन मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हो बहुत आराम से। और किया ने आई थिंक ये तीनों ही फैक्टर बहुत अच्छे से निभाए हैं। आप देख सकते हैं इनकी गाड़ियाँ सारी की सारी SUV लुक्स में आती है। सेडान कार बहुत कम लेके आया है, अब एक गाड़ी आने वाली है, वो है K5, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो भाई सारी सारी गाड़ियाँ SUV सेगमेंट की होती हैं, बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, लुक्स बहुत ही फ्यूचरिस्टिक होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं, जो इंडियन मार्केट में नहीं मिलते थे जल्दी से। दोस्तों अगर आप किया की गाड़ी लेना चाहते हैं, आपको पसंद है किया की गाड़ी, ओवरसी गाड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, तो ये वीडियो पूरी देखें। थोड़ी बहुत नॉलेज, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो भाई किया भारत में आई थी 2017 में मई के महीने में, और 2019 में इसने अपना प्लांट यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर यहाँ पे गाड़ियाँ होने लगी थी, और 2019 से लेके अब तक लगभग 3 गाड़ियाँ का प्रोडक्शन वहाँ से होता है। वो है किया सेल्टोस, किया सोनेट और किया कार्निवल। आपने तीनों ही गाड़ियाँ देखी होगी, मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है। तो भाई बहुत अच्छी डिमांड इन गाड़ियों की रहती है, और इस साल भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ ये कंपनी लेके आ रही है इंडिया में। दोस्तों काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि किया एक चाइनीज़ ब्रांड है, पर चाइनीज़ ब्रांड नहीं है दोस्तों, ये एक साउथ कोरियन ब्रांड है, और इसका जो पेरेंट कंपनी है वो है हुंडई। जी हाँ, 33% से ज़्यादा की ओनरशिप रखती है हुंडई इस कंपनी में, और ये 5th लार्जेस्ट कंपनी है किया और हुंडई को मिला के पूरी वर्ल्ड में। तो भाई गाड़ियाँ तो अच्छी होनी है। तो भाई बात करते हैं किया के नाम की, किया का नाम किया ही क्यों रखा है, ऐसा क्या है इस नाम में? बहुत डिफरेंट सा, बहुत वियर्ड सा भी आप कह सकते हो कभी कभी कि लगता है नाम। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं टू राइज आउट ऑफ एशिया। तो भाई वो तो बहुत साल पहले ही है एशिया से बाहर जा चुकी है। अमेरिका में इनकी गाड़ियाँ चलती है, एशिया में इनकी गाड़ी चलती है, यूरोप में इनकी गाड़ियाँ जाती है, और अब इंडिया में तो आ ही चुकी है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं दिखाने वाला हूँ आपको 7 कार्स जो इस साल या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में आने वाली है किया के थ्रू। दोस्तों मेरा नाम है नितिन चौधरी, आप देख रहे हैं सारथी मोटर डील्स। तो दोस्तों पहली कार है यहाँ पे किया सेल्टोस। भाई किया सेल्टोस ऑलरेडी लॉन्च हो गया, आप बोल रहे होंगे भाई अब कौन सी गाड़ी आ गई, इसी साल दूसरी गाड़ी कैसे आ सकती है? भाई ये ग्रेविटी एडिशन है, और किया ने सेल्टोस को पहली बार इंडिया में 2019 में लॉन्च किया था। तब से लेके अब तक इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं, क्योंकि जब 19 में लॉन्च हुई थी तो इतने खास फीचर्स इस गाड़ी में नहीं थे। डिमांड के हिसाब से इन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हैं टाइम टू टाइम। तो अब ग्रेविटी एडिशन में जो चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं वो है इसका फ्रंट लुक, इसका जो ग्रिल का लुक है दोस्तों, जो टाइगर ग्रिल्स के जो बहुत फेमस है, उसको थोड़ा बहुत चेंज ये लोग कर सकते हैं इस बार ग्रेविटी एडिशन में। इसके अलावा इसमें पैनोरमिक सनरूफ मिसिंग थी इस कार में, वो भी आपको देखने को मिल सकती है। एंड अगर बात करें इसके इंजन की, तो इसमें आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जिसमें आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों ही मिलता है। पर अब इसमें जो एक चेंज आने वाला है वो है IMD। भाई इसमें IMD ट्रांसमिशन भी देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो ये जून के एंड में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में लॉन्च हो सकती है। बात करें इसके प्राइस की, तो ये 11.5 लाख से 21 लाख के आसपास गाड़ी मिल सकती है। तो दोस्तों नेक्स्ट कार की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आप अपनी कार सेल करना चाहते हैं और एक नई गाड़ी लेने वाले हैं, तो भाई अब बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि Cars24 पे आप अपनी गाड़ी को सेल कर सकते हो। बहुत ही ईजी स्टेप्स में बहुत जल्दी गाड़ियाँ सेल हो जाती हैं यहाँ पे, क्योंकि जो इसका बिडिंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है। इसमें सिर्फ आपको ये करना है कि नीचे जो लिंक है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। जैसे ही Cars24 वाले आपके गाड़ी का इंस्पेक्शन करते हैं, वो अपनी वेबसाइट पर डालते हैं गाड़ी को, और बिडिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। और हर रोज लाखों लोग Cars24 पर जाते हैं, अपनी गाड़ियाँ बेचते हैं, खरीदते हैं। तो जो उसका बिडिंग सिस्टम है वो बहुत ही ब्रॉड होता है। लाखों लोग सिर्फ आपकी एक कार के लिए बोली लगाते हैं, जो भी ज़्यादा बोली लगाएगा वो गाड़ी आपकी लेके जाएगा। इससे क्या होगा कि भाई आपको सबसे अच्छी वैल्यू आपकी कार की मिल जाएगी, जो कि बाकी ऐप्स में नहीं मिल पाती। तो भाई आप फटाफट से जो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो और अपना जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ, जो कि है किया की कार्निवल।
यू कैन से इट इज अ प्रीमियम एसयूवी कार बाई, बहुत अच्छे फीचर के साथ ये गाड़ियाँ आती है। अगर आपको ट्रैवल पसंद है तो ट्रैवल के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, फैमिली अगर बड़ी है तो बहुत अच्छी ये कार आपके लिए होने वाली है। इसमें 7 से 8 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं। अलावा इसका जो डायमेंशन है इस बार थोड़ा चेंज होने वाला है, ये गाड़ी थोड़ी सी और लंबी कर दी है, जो सिटिंग कैपेसिटी थी वो थोड़ी बढ़ गई है, आप इसमें 8 लोग बैठ सकते हैं। और इसमें जो स्पेस है लेग स्पेस वो भी थोड़ा बड़ा हुआ आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही इसमें 19 इंच का अलॉय व्हील भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही शानदार लग रहा है देखने में। दोस्तों अगर बात करें इंटीरियर की, तो इंटीरियर में आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, टच स्क्रीन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स भी गाड़ी में मिल रहे हैं। इसके अलावा इसमें आपको सनरूफ भी मिल रही है, वो भी डुअल सनरूफ, भाई 2 सनरूफ इस गाड़ी में मिलने वाली है। अगर बात करें कि कंपटीशन किस गाड़ी को कंपटीशन देने वाली है, तो भाई ये क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर दोनों ही गाड़ी को बहुत अच्छा कंपटीशन देने वाली है इंडिया में। अगर आप प्लान कर रहे हो फॉर्च्यूनर का, तो भाई थोड़ा सा वेट कर लो, ये गाड़ी आपको साल के एंड में या फिर नेक्स्ट ईयर के फरवरी महीने में देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट में। अगर बात करें यहाँ पे प्राइस की, तो भाई 25 लाख से 35 लाख के बीच में ये गाड़ी हो सकती है। इसका जो बेस वेरिएंट है वो 25 लाख का हो सकता है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट कार किया लॉन्च करने वाली है वो है किया सेल्टोस ईवी। तो दोस्तों किया ने भी मन बना लिया कि ईवी कार्स को इंडियन मार्केट में उतारने का। ये रेगुलर सेल्टोस से बहुत अलग होने वाली है, इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर स्कीम आपको मिलने वाली है। अगर बात करें इंटीरियर की, तो भाई इसमें आपको ब्लू हाइलाइटर देखने को मिलेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की पहचान होती है, वो जो चमकता है ब्लू कलर की लाइट्स, वो बहुत अच्छी लगती है। अगर बात करें इसकी पावर की, तो भाई इसमें 2-3 वेरियंट आपको देखने को मिलेंगे। एक है 64 किलोवाट का लिथियम आयन बैटरी के साथ, इसकी रेंज है 450 किलोमीटर जो कंपनी क्लेम कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब एक बार चार्ज करो और भाई 450 किलोमीटर तक आप ड्राइव कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर बात करें दूसरे वेरिएंट की, तो भाई वो है आपको 40 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी के साथ, इसकी जो रेंज है वो है 250 किलोमीटर के आसपास, जो कि एक डिसेंट रेंज है। और प्राइस भी इस कार का बहुत कम होने वाला है इस हिसाब से। तो प्राइस की बात करें, तो प्राइस इस गाड़ी का 20 लाख से स्टार्टिंग होने वाली है, और ये कॉम्पिटिशन देने वाली है टाटा नेक्सॉन ईवी को, बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन मिलेगा उस गाड़ी को। और बात करें इसकी लॉन्च डेट की, साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर फरवरी के आसपास ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी इंडिया में। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ, जो कि है स्पोर्ट एस। तो किया स्पोर्ट एस पहली बार इंडिया मार्केट में लॉन्च होने जा रही है। अगर बात करें इसका कंपटीशन, तो भाई ये जीप कंपास और टक्सन जैसी गाड़ियों को बहुत अच्छा कंपटीशन देने वाली है। ये कार एक मिड साइज एसयूवी कार है, और बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ ये लॉन्च होने जा रही है। इस कार का स्पोर्टी लुक तो बहुत ही डिफरेंट लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अगर बात करें इसके कुछ फीचर्स की, तो भाई इसमें आपको ऑटोमेटिक सीट्स मिलने वाली है सारी की सारी। इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो है 8 पैसेंजर्स की, इसमें 8 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके इंटीरियर की, तो इसमें आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको पैनोरमिक सनरूफ भी मिलेगी। अगर बात करें इसके प्राइस की, तो भाई प्राइस इसका 40 लाख के आसपास हो सकता है। तो दोस्तों अगर बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो ये भी भाई नेक्स्ट ईयर ही लॉन्च हो पाएगी। इसका लॉन्च डेट इस साल रखा गया था, पर भाई इसे भी जानते हैं कि अभी सारी गाड़ियों का जो लॉन्च डेट है वो डिले हो गया। तो जो कार 2021 में लॉन्च होने वाली थी ईयर एंड में, वो 2022 तक पहुंच गई है। तो भाई थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पर गाड़ी बहुत अच्छी है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कार की। अपने सेगमेंट की ये पहली कार है जो इंडिया में लॉन्च करने वाली है, मैं बात कर रहा हूं K5 की। दोस्तों किया K5 एक सेडान कार है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही एलिगेंट लुक वाली गाड़ी है। जो इसका स्पोर्टी लुक है क्या बताऊं यार, ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन ये कार लेके आएगी। बात करें इसके इंटीरियर की, तो भाई इसका जो कैबिन है काफी बड़ा है, काफी ब्रॉड है, इसमें स्पेस की कमी आपको नहीं फील होने वाली है। तो अगर बात करें चेंजेस की, जो भारत में ये कार लॉन्च होगी, तो भाई इसमें आपको जो फ्रंट लुक है वो थोड़ा बहुत चेंज दिख सकता है आपको। दोस्तों अगर बात करें इसके अलॉय व्हील्स की, तो आपको 19 इंच के एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स मिलने वाले, जो कि इसके सेगमेंट में कोई भी कार नहीं दे पा रही है। बात करें इस कार के इंटीरियर की या फिर एंटरटेनमेंट की, आपको इसमें 10.3 इंच की स्क्रीन देखने को मिलेगी। एंड इसके अलावा इसमें आपको 12 स्पीकर्स भी मिलेंगे, जो कि आपको बहुत बेहतरीन म्यूजिक एक्सपीरियंस तो देने वाली है गाड़ी। और इस कार में आपको डिफरेंट कार मोड्स भी मिलेंगे, लाइक इसमें आपको कंफर्ट, इको और भाई स्पोर्ट मोड भी देखने को मिल सकता है। जब आप ड्राइव करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आपको एक फ्यूल एफिशिएंसी भी कार में मिल जाती है। बात करें इस कार के प्राइस की, तो प्राइस इस गाड़ी का 25 से 28 लाख के आसपास होने की उम्मीद है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ, जो कि है किया की सोनेट। तो दोस्तों किया सोनेट इस साल अपनी 7 सीटर का वेरिएंट लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें आपने पहले देखा होगा कि 6 सीटिंग की कैपेसिटी होती थी, पर अब इसका जो नया वेरिएंट है वो 7 सीटिंग का है। अगर बात करें इसकी कुछ फीचर्स की, जो है इसमें 360 डिग्री का कैमरा, और इसमें आपको एयर कूल्ड ग्लोव बॉक्स भी देखने को मिल सकता है। इसमें आपको कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेंगे पुरानी वाली सोनेट से। अगर बात करें प्राइस की, तो प्राइस भी इसमें 80,000 से 1 लाख रुपए तक की गाड़ी महंगी हो सकती है जब ये लॉन्च होगी। इसकी लॉन्च डेट दिसंबर के आसपास रखी गई है, तो देखते हैं गाड़ी कैसी है। आई थिंक ये कार उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसको 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ सोनेट चाहिए, तो आप ये गाड़ी भी देख सकते हो। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट कार है यहाँ पे किया टेलोराइड। किया टेलोराइड आज की लास्ट कार है, लास्ट कार मैं हमेशा अच्छी रखता हूँ, बेस्ट रखता हूँ। भाई इस कार में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, प्रीमियम कार जिसे कहते हैं। इसका लुक, कंफर्ट, प्राइस बहुत अमेजिंग ये गाड़ी होने वाली है।
भाई एक फैक्ट की बात बताता हूँ, अमेरिका में ये फिफ्थ मोस्ट सेलिंग कार में से एक है। मतलब समझ लो कि यार ये गाड़ी कैसी होने वाली है। बात करें इसकी सीटिंग कैपेसिटी की, तो इसमें 9 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं। पूर्ण स्पेस गाड़ी में बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपको कहीं पहाड़ों पर ट्रैवल करना है, बीचेस की तरफ जाना है, माउंटेन्स पर जाना है, तो भाई कितना भी सामान रखो गाड़ी के अंदर आराम से आ जाएगा। इसकी ऑफ रोडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें स्पोर्ट्स मोड, कम्फर्ट मोड और ऑफ रोडिंग मोड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। एक खास फीचर यह है कि भाई इसका जो DRLs है वो येलो कलर के होंगे, ना कि रेड कलर के। अब आप सोच रहे होंगे भाई अगर येलो कलर के होंगे तो भाई पता कैसे लगेगा इंडिकेटर जब जल रहे होंगे तो भाई किस तरफ टर्न करना है। ये हर वक्त जलते रहेंगे, जब किसी को टर्न करना होगा तो ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा, तो भाई पता लग जाएगा कि किस तरफ गाड़ी मुड़ रही है। भाई अगर बात करें इस कार के प्राइस की, तो प्राइस भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, जो कि 40 से 50 लाख के आसपास हो सकते हैं। बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो भाई लॉन्च डेट इस साल होने की पूरी पूरी उम्मीद है, नहीं तो नेक्स्ट ईयर 2022 में जनवरी या फरवरी में तो लॉन्च हो ही जाएगी गाड़ी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। आप कमेंट करके नीचे बताइए कि आप कौन सी गाड़ी आने वाले हैं, आपकी कौन सी गाड़ी आपको पसंद आई है। और जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जो गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं किया की। तो मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ किया के बारे में और उनकी जो गाड़ियाँ लॉन्च होने वाली है इस साल। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे, एंजॉय लाइफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।